एवरीवन, दिस इज मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अगर आप यू नो सर्विसेज के चार्जेस देख के रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी डेली एनर्जीज जो कि सबके लिए होती हैं, तो आप उधर वहाँ पर मुझे यू नो फॉलो कर सकते हो। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लियोस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। नाइन ऑफ वांड्स, द लवर्स, फोर ऑफ कप्स। आप या आपका पर्सन जो भी है जिससे आप डील कर रहे हो, उसने या फिर आपने आपकी लव लाइफ की डिसीजंस को लेके आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका हुआ था। या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। जिसकी भी एनर्जी थी ये, वो चेंज हो रही है। आपका पर्सन फील करेगा कि उसको आपसे ज़्यादा बात करनी है। आप यू नो अगर ये आपकी एनर्जी है तो यू नो जिसकी भी एनर्जी है, जो कि हमेशा से यू नो हैड देयर गार्ड्स अप, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन, वो फाइनली रियलाइज़ करेगा कि उसको आपसे और ज़्यादा बात करनी है। अगर मैं यू नो अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आहिस्ता आहिस्ता अपने गार्ड्स जो उसने अप किए हुए थे टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने गार्ड्स को लो कर रहा है। और आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, ज़्यादा बातचीत होगी, आप दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, चाहे वो कॉल्स पे हो, SMS पे हो, टेक्स्ट मैसेजेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या लाइव हो, वन टू वन। लेकिन यस, आई डू सी कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक दूसरे को और करीब आना चाह रहे हो, एक दूसरे को और जानना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को एक यू नो एक नया मोड़ देना चाह रहे हो, जहाँ पे शायद जो चीज़ें आप पहले यू नो एक एक वो चीज़ नहीं नज़र आती थी, आपको पोटेंशियल नहीं दिखता था इस रिलेशनशिप में, आहिस्ता आहिस्ता आपको उस रिलेशनशिप के अंदर पोटेंशियल दिखना शुरू हो गया है, जो कि आपकी इस इंसान के साथ यू नो एक कनेक्शन था। ये डेफिनेटली somebody, दिस पर्सन इज somebody हु यू ऑलरेडी नो। ये कोई नया इंसान नहीं है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज somebody यू ऑलरेडी नो, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हाँ, पहले आप इस रिलेशनशिप को उतनी एनर्जी या टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पोटेंशियल नहीं दिखता था, आपको लगता था कि वेस्ट ऑफ टाइम है, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, मेरा नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है। काफ़ी इशूज़, काफ़ी ब्लॉक्स थे इस कनेक्शन को लेकर, आपके एंड से भी, उसके एंड से भी। तो मुझे लगता है कि वो ब्लॉक्स आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहे हैं, और आपका पर्सन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आप लोगों को मिल रही है, जो कि शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे। शायद आपको या आपके पर्सन को पता होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, जो आपको दिख नहीं रहा, उन चीज़ों में, उन यू नो अनसीन वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स ये यू नो इस इंसान के जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप यू नो अगर आप अपना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन को लेके अभी, जो कि आप दोनों को करीब ला रही है। क्योंकि पहले आप इस कनेक्शन को लेके आपके माइंड में एक भी पॉजिटिव अगर मैं कहूँ ना कि थॉट आती हो, तो नहीं था ऐसा। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी दुआएँ, आपके पर्सन की दुआएँ, अगर आप इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, आपके हमेशा गार्ड्स अप होते थे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दुआएँ जो हैं वो रंग ला रही हैं। इसके अलावा वी डू हैव द हर्मिट। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस कनेक्शन को लेके हमेशा से होपफुल था, उसको यकीन था कि ये चीज़ें वर्कआउट होंगी, और उसी इंसान की एनर्जीज हैं जो कि फाइनली जो है वो रंग ला रही हैं, और वो चीज़ें रियलिटी में आ रही हैं जो उसने ख्वाब देखा था। एक ख्वाब सच हो रहा है आपका, आपकी लव लाइफ को लेके, चाहे वो आपने देखा था, चाहे वो आपके पर्सन ने देखा था आपके साथ, लेकिन फाइनली चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और आप दोनों का कनेक्शन जो है एक नया मोड़ ले रहा है, एक नई स्पेशली अगर आपका कनेक्शन समहाउ ये लियो टाइम में स्टार्ट अगर हुआ हो, जो लियो के यू नो लियो के साइन का जो टाइम फ्रेम है, अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर स्टार्ट हुआ होगा, तो ये कनेक्शन बाय द नेक्स्ट समर जो है वो एक सॉलिड कनेक्शन की सूरत में होगा, जैसे शादी, इंगेजमेंट या उस तरह की किसी सिचुएशन में डेफिनेटली होगा। लेट्स सी वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, किसी एक को तो बहुत क्लियर पता था, और उसी की इंटेंशन का नतीजा है जो अभी हो रहा है, जो
चेंजेस आप इस कनेक्शन में देख पा रहे हो वो इस वजह से है क्योंकि आपका या फिर आपके पर्सन का एटीट्यूड इस कनेक्शन को लेके बहुत क्लियर था. उसको कोई डाउट या फियर नहीं था. उसको कोई चाहे आपने उसको जैसे मर्जी ट्रीट किया हो, लेकिन उसको आपके बारे में या आपको उसके बारे में एक चीज़ हमेशा से पता थी कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा. नो मैटर व्हाट हैपन्स बिटवीन द टू ऑफ यू हेयर एंड देन देयर, इट्स लाइक एक चीज़ क्लियर है कि यू आर बाउंड टू बी टुगेदर. ये इस इंसान को पता था, चाहे ये आप हो या आपके पर्सन है. और इसी की इसी की एक एक एफर्ट का नतीजा है जो चीज़ें आपके हक में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपके लिए बेहतर हो रही हैं इस इंसान के साथ. अनी डायरेक्ट वी टू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली एंगेजमेंट या कुछ पक्का रिलेशनशिप, एक न्यू एक एक यू नो एक नया माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके. और उसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ और वो चीज़ें आएंगी इस कनेक्शन को लेके जो आप चाहते हो, जो ये इंसान चाहता है, चाहे ये आप हो या आपका पर्सन है. लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में. क्या होने वाला है. वाह, पास्ट लाइफ्स. डेफिनेटली आपका ये जो भी इंसान है, आपका कनेक्शन इसके साथ होना ही था. एक एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी रही हो सकती है आप दोनों की, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बगैर रह के भी देख लिया है. और अब आपको पता है, अच्छे से रियलाइज़ कर चुके हो कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा और आप दोनों रेडी हो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए. रिलीज योर पास्ट लाइफ कार्मा. यू आर एन ओल्ड सोल विद डीप विजडम. हीलिंग योर पास्ट लाइफ विल रेज योर वाइब्रेशन. कहीं ना कहीं आपका या आपके पर्सन का एक जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की हम बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेकर या अदरवाइज भी वो एक कामिक कनेक्शन में मे बी कहीं भी अटका हो अपनी लाइफ में. इट डजेंट हैव टू बी कि वो एक लव लाइफ सिचुएशन थी. कुछ भी हो सकता है, एक कामिक सिचुएशन. लाइक मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए एक साइकिल से आप दोनों गुजरे हो. काफ़ी टाइम आप दोनों का एक दूसरे के साथ गुजर चुका है ऑलरेडी, कुछ साल फॉर श्योर. क्योंकि आपका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है काफ़ी टाइम पहले बना हो, देन आप मूव ऑन कर गए हो, ये मूव ऑन कर गए हो, एंड फाइनली फिर आपसे फिर दोबारा से आप लोग वापस आ रहे हो क्योंकि आपने एक कामिक साइकिल जो आपने गो थ्रू करना था वो कर लिया. अब फाइनली वो चीज़ें एंड हो गई हैं जो आप दोनों को दूर रख रही थी. और कहीं ना कहीं इंटरवेंशन है यूनिवर्स की, जहाँ पर आप दोनों को करीब लाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन. एक और ओरेकल देखते हैं वो क्या ऐड करता है रीडिंग में आप लोगों के लिए. क्या होने वाला है बाकी के महीने में. आपका ये जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ये अब जितना स्ट्रांग आपको होता दिख रहा है, इससे कभी वापस नहीं जाएगा. ये आगे मूव होगा एक और इससे नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप, शादी. लाइक अभी अगर बातचीत शुरू हुई है तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दोनों के अटैचमेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा. उसके बाद फिर इंगेजमेंट का टाइम आएगा, उसके बाद फिर शादी का टाइम आएगा, उसके बाद फिर फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ आगे चलेगा. सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की इंटेंशन का नतीजा है. अगर आप ये इंसान, चाहिए आप हो या आपका पर्सन है, अगर इसने भी गिव अप कर दिया होता इस कनेक्शन को, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ऐसे वर्कआउट हो रही होती. आप शायद किसी और के साथ होते, ये किसी और के साथ होते, और चीज़ें स्लो चलती इवेंचुअली. क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो इवेंचुअली साथ तो आते, लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की यूज़ किए बगैर या इंटेंशन को स्ट्रांग रखे बगैर ये इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आने थे जो मुझे नज़र आ रहा है कि आ रहे हैं आप दोनों के लिए एक दूसरे के साथ इस फ्यूचर इस कनेक्शन में इन फ्यूचर. सो एक और कार्ड देखते हैं वो क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए. क्या होने वाला है बाकी के महीने में सितंबर के. रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. आप दोनों का हो सकता है कि फिजिकल कनेक्शन भी रहा हो इस इंसान के साथ, आप दोनों एक दूसरे को के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स और सेक्सुअल एनर्जी भी रखते हो. और हो सकता है कि आप दोनों का इस तरह का कोई कनेक्शन रहा हो इन द पास्ट एज वेल. लेकिन जो भी है, इट्स मोर ऑफ अ सोलफुल कनेक्शन. कभी भी ये खाली सेक्स से रिलेटेड या उस तरह की एनर्जीज नहीं रहीं. ये एक सोलफुल कनेक्शन था, है और रहेगा. क्योंकि जहाँ पे आपकी बात आती है कि आप अपने पर्सन जब आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नीज होती हैं, आपका हमेशा, चाहे आप उसको रियलाइज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते, हमेशा एक सोलफुल उसमें एनर्जी होती है. तभी आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी एक दूसरे के से दूर नहीं जा सकते. इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक टू द सेम पर्सन. सो ये थी आपकी रीडिंग.
अगर आपके साथ मैच की हो, पसंद आई हो, लाइक यू नो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।